किस नंबर 8। वो मासिल को हैरान छोड़कर आई तो रोज उसका गेट पर इंतजार कर रही थी। एमा को देखते ही वो उसकी जानिब लपकी। वो बस ये चाहती थी कि एमा और मासिल के ताल्लुकात थोड़े खुशगवार हो जाएं। क्या कह रहे थे मिस्टर मासिल? उसे देखते ही रोज से पूछा। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा ये टीचर दिल फेंक है, एमा ने चिढ़ते हुए कहा। वो तेज से चल रही थी। नहीं मिस्टर मासिल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, रोज से तड़प कर सफाई दी। हाँ, हर साल गंगा नहा कर आते हैं, एमा चलकर बोली तो रोज ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी थी। वैसे एमा, गुस्सा तुम्हारे नाक पर धरा रहता है, क्या इसकी वजह जान सकती हूँ मैं? वो अब मुस्कुराहट दबाए उसे जानबूझ कर छेड़ रही थी। इसकी वजह मिस रोज है जो मेरे सर पर सवार रहती है। वो भी कहाँ बख्शने वाली थी, रोज का छत बाहर कहका गूंजा था और फिर वो देर तक हंसती रही। कायनात इधर से भरी है, ये शफाफ है और तब्दील ना होने वाला है। ना सर्द है और ना गर्म, ना खुश्क है और ना गीला। जमीन कायनात का मरकज है, इसके गिर्द मादी करे हैं। कायनात करे की शक्ल में और मरदूद है, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं के तसव्वुरात मौजूद हैं। खाली कोई शय नहीं हो सकती, अला गैर फितरी शय है। वो चाय बनाकर कमरे में आई, हाथ में मग थामे वो किसी मैगजीन की वर्कदानी कर रही थी। इरादा चाय के बाद पढ़ाई करने का था। अचानक उसकी तवज्जा कायनात के लफ्ज़ से खींच ली और वो उन चंद लाइनों की पुरसरारियत में इस कदर उलझ गई कि अपनी चाय तक भूल गई थी। ग्लास विंडो पर बहता बारिश का पानी भी उसकी तवज्जा नहीं खींच पाया था। कायनात इधर से भरी पड़ी है, वो पहले जुमले पर ही अटक गई थी। जाने वो कितनी देर उसी में उलझी रहती जब उसके मोबाइल पर होने वाली थरथराहट ने उसे अपनी जानी मतवजा किया। मोबाइल उठाकर देखा तो अनजान नंबर से आने वाले मैसेज ने उसकी तवज्जा खींची। बेसाख्ता उसकी पेशानी पर बल पड़े थे, लेकिन जब उसे मैसेज देखा तो हैरान रह गई। किस दुनिया से आई हो? और फिर जैसे मैसेजेस की लाइन ही लग गई। अब तक कहाँ थी? पता है कितने सालों से तुम्हारी तलाश में था। क्या तुम मेरी उलझने दूर कर सकती हो? मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। उसकी भनवे सुकड़ गई। कौन था ये शख्स जो उसे पागलों की तरह मैसेजेस किए जा रहा था? यकीन करो, मुझसे टाइपिंग नहीं होती। मुझे टेक्सिंग करना नहीं पसंद। मैसेज लिखते वक्त मेरी जान जाती है, लेकिन मैं रह नहीं पाया। इससे और बिलाहिर उससे पूछ लिया था। जिसे तुम मासील के नाम से जानती हो? इस जवाब पर वो साकित रह गई थी। समझ नहीं आया था कि गुस्सा करे या कुछ और। कुछ देर बाद ही उसकी प्रोफाइल फोटो भी शो हो गई थी। मिस्टर मासिल, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। वो जान छुड़ाकर ऑफलाइन हो चुकी थी बिना ये सोचे कि कोई सारी रात उसका इंतजार करता रहा था। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है और वो पहला कदम उठा चुकी थी। दिल भारी था, आंखें भूजल थी। जाने का दिल नहीं था पर अब उसे जाना ही था। वो एयरपोर्ट पर थी, उसे सिर्फ छोड़ने दो ही लोग आए थे, एक सलमा बेगम और दूसरी हुमैसा। उनके अलावा उसकी ज़िंदगी में था ही क्या? हुमैसा रो रही थी, उसे पिछले 3 दिनों से बुखार था। ऐसी ही कुछ हालत ईमान की भी थी। सलमा बेगम का ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा था, पहली बार बेटी को खुद से दूर भेज रही थी। अनजाने वसवसे दिल को घेरे खड़े थे, लेकिन अपनी तबीयत पर पूरा भरोसा था। फ्लाइट में अभी वक्त बाकी था। वो सलमा बेगम और हुमैसा के दरमियान में बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ छीनने वाला हो। उसका हाथ थामते सलमा बेगम ने बोलना शुरू किया था। उनकी आवाज़ सम थी और पलकें भीगी हुई थी। मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ ईमान, और ना मुझे किताबी बातें आती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता माएँ अपनी बेटियों को कौन सी नसीहतें करती हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे सबसे अलग बेटी दी है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं ईमान हो, और उसमें कभी बेईमानी मत करना। और ईमान तो जैसे उनके अल्फाज पे साकित रह गई थी। कितने ही लम्हे वो सलमा बेगम की बातों में उलझी रही थी, फिर तो वो तड़प कर उनके गले लग गई। आंसुओं का ऐसा दौर चला जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऐसा हिचकियों से रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, आप भी मत जाए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। और ईमान उसे खुद से लिपटाए हुए थी। मैं जल्दी वापस आऊंगी और रोज़ वीडियो कॉल करूंगी। वो उसे पूरी तसल्ली दे रही थी, लेकिन अपना दिल था कि कह रहा था वापस पलट जाओ, आगे मत बढ़ो। पर वो कदम बढ़ा चुकी थी। उसे सलमा बेगम और हुमैसा के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। अनाउंसमेंट होने लगी तो सलमा बेगम ने उसे खुद से अलग किया और सामान उठाते कहा, जल्दी जल्दी चलो।
इस वक्त वो दिल पर पत्थर रख के खड़ी थी। जब फैसला कर ही लिया था तो बेहतर था बेटी को खुशी खुशी दुआओं के साथ रुखसत करती। ईमान ने बैग कंधे पर डालते कैरी थामते एक नज़र उन दोनों को देखा, जिनका अक्स आंखों में उभरने वाले नमकीन पानी में कहीं धुंधला सा गया था। और फिर वो हाथ हिलाकर आंखों से उजल हो गई। सलमा बेगम हमेशा वहीं खड़ी रह गई। दोनों को लग रहा था उन्होंने ईमान को नहीं बल्कि अपनी रूह को भेज दिया था। वो तब तक वहीं खड़ी रही थी जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर गई थी। सलमा बेगम ने ढेरों दुआएं की थी। हमेशा भी अपने नाजुक हाथों से अपनी बहन के लिए दुआ ही मांग रही थी। जब जहाज भी आंखों से दूर चला गया तो वो दोनों वापस पलट गई थी। और ईमान जो जाने कितने असम लेकर गई थी, नहीं जानती आने वाला वक्त उसके हक में अच्छा भी था या नहीं। घर वालों से दूरी और पहली दफ़ा का हवाई सफ़र। वो जब वैलेंसिया पहुंची तो उसे लगा था जैसे उसकी सारी जान निकल चुकी है। आंखें रोने के बायस सूजी हुई थी। यहाँ ना कोई अपना था ना कोई समझने वाला। ईमान को लगा वो किसी और दुनिया में आ गई है। उसका दिल तंग पड़ने लगा था। हालत अजीब हो चुकी थी। लोग आ जा रहे थे और वो एक जानिब खड़ी थी। पहली बार वो अपने शहर से ही नहीं बल्कि अपने मुल्क से दूर आई थी। दिल था कि मान ही नहीं रहा था। ईमान को खुद पर हैरत हो रही थी कि उसे खुश होना चाहिए था। उसे अगर मौका मिला था तो अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन वो दिल को नहीं समझा पा रही थी। टैक्सी वाले खड़े थे, उसके पास एड्रेस भी था, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसे ना तो वैलेंसियन जुबान आती थी और ना स्पेनिश। बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर उसे एक बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर मिला था जिसे उसे मोबाइल से हॉस्टल का एड्रेस बताया और फिर वो उसे लेकर हॉस्टल की जानिब रवाना हो गया। उससे जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा किया वहीं उसे खौफ भी था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कहीं और ना ले जाए या उसे लूट ना ले, इसीलिए वो बाकायदगी से दुआएं मांग रही थी। जलने वालों की निगाहों से छुपाया हुआ शख्स मुझ में रहता है, जमाने का सताया हुआ शख्स। याद आता है तो बढ़ जाता है नुकसान का रंज। जिंदगी भर का असासा था गवाया हुआ शख्स। दिल ने तावान की सूरत में लुटाया है नसीब, मैंने खोया है मुशक्कत से कमाया हुआ शख्स। जितना सादा मुझे समझे हैं मेरे शहर के लोग, उतना सादा भी नहीं गांव से आया हुआ शख्स। वक्त करता नहीं नस्लों के तारुफ का लिहाज, जब अचानक से गिराता है उठाया हुआ शख्स। मेरे पहलू के मसाफात में ठहरी हुई शाम, याद करते हुए रोई की भुलाया हुआ शख्स। आज फिर शोक हवाओं ने उड़ाया है मजाक, तेरे लहजे में जगाया है सुलाया हुआ शख्स। जिंदगी तुझसे गुजारिश है मेरा हाल तो देख, और कितना दूर रुलाएगी रुलाया हुआ शख्स। तेरी पलकों से बिखर जाएगा साहिर किसी रोज, तेरे रुखसार की लाली में समाया हुआ शख्स। वो दीवार से चिपकी बैठी थी, सर घुटनों में दबा था, उसका जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसे करीब भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे देखते ही वो खौफ से चिल्लाने लगती थी। ये उसके लिए कितना तकलीफ दे था, ना कि जो लड़की दिलो जान से उसे चाहती थी वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो उससे डरती थी या उससे नफरत करती थी ये वो समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना जान गया था वो उस लड़की के सामने नहीं जा सकता था। उसके सामने जाना उसे तकलीफ देना था, उसकी रग रग को काट कर अज़ियत भर देना था। और एक इंसान की इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि वो अपने हाथों से अपनी मोहब्बत गंवा दे। अपनी सारी जिंदगी का सरमाया जब एक इंसान खो देता है तब वो ना रो पाता है ना हंस पाता है, वो बस लब भींचे अज़ियत सहता है। और वो सह रहा था, जितनी तकलीफ वो मासूम लड़की को दे चुका था अब उसका अजाला भी तो करना था। शीशे के उस पार दीवार के साथ बैठे वजूद को वो अपनी नम आंखों से देख रहा था। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बड़बड़ाती है थी। और फिर जब काफ़ी देर गौर करने पर उसे समझ आया तो वो साकित रह गया। उसे सकते हुए एक ही लफ्ज़ पुकार रही थी, माँ माँ। अगले दिन वो इंस्टीट्यूट गई तो जैसे मासिल उसी का मंतजर था। वो क्लास से पहले ही उसके ऑफिस पहुँच गया। सॉरी अगर तुम्हें मेरा मैसेज करना बुरा लगा तो, वो दरअसल मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। वो मासद कर रहा था और ये पहली बार नहीं था, वो बस उससे ही मासद करता था। वो झुक जाता था सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के सामने जो उसे अजीब लगती थी।
इट्स ओके, मैं बिजी थी, जवाब नहीं दे पाई, एमा इतना ही कह पाई। वो गौर से उसे देख रहा था। उसने एमा के चेहरे पर हल्की सी नागवारी महसूस की थी जिससे वो दबा गई थी, पर मासिल की नसों से मुखफ़ी नहीं रह पाई थी। मासिल के दिल को एक धक्का सा लगा था। क्या उसका वजूद नज़रअंदाज किए जाने के काबिल था? क्या कोई लड़की उसके मैसेज करने पर गुस्सा भी कर सकती थी? नहीं ना, तो फिर वो क्यों कर रही थी? वो क्या चीज़ है? उसने एमा के वजूद को नजरों के हजार में लेते अचानक ही सवाल किया था। सॉरी, एमा ने नसें उठाकर उसे देखा। वो उसकी बात नहीं समझ पाई थी। वो क्या चीज़ है? वो कौन सी अनदेखी दीवार है जो तुम्हें मुझसे इतना दूर रखती है? बेसाख्ता पूछा गया था। उसकी आंखों में उलझन थी। सुरख डोरे रचके का पैगाम सुना रहे थे। एमा का दिल जैसे डूब कर उभरा था। उसे ऐसे सवाल की तवक्का नहीं थी। कितनी ही देर उसे समझ न आया कि वो मासिल को क्या जवाब दे। आप मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं मिस्टर मासिल, कि आपकी ये जॉब ऑफर कबूल करके मैंने कोई गलती की? वो बोली तो लहजे में चट्टानों की सी सकती थी। वो कितनी ही देर लब पींचे बेयकीनी से उसे देखता रहा था और फिर बिना कुछ कहे चला गया। एमा ने रुका हुआ सांस बहाल किया था। वो स्टूडियो भी नहीं जाना चाहती थी जहाँ उसकी क्लास हो रही थी, लेकिन उसे जाना था। और फिर वो चली गई। दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था और दोनों अपना काम पूरी तवज्जो से कर रहे थे। क्लास ख़त्म होने से 10 मिनट पहले ही मासिल चला गया था। वो आज उसके लिए नहीं रुका था। एमा को अपने रवैये पर अफसोस हुआ था, लेकिन फिर वो सर झटकती वापस आ गई। रोज़ उसे जाने क्या क्या बता रही थी, लेकिन वो बस गायब दिमागी से वो हाँ ही कर रही थी। रात को भी मासिल ने उसे कोई मैसेज नहीं किया था। जहाँ उसे शुक्र अदा किया था, वहीं उसे थोड़ा अफसोस भी था। लेकिन वो नहीं जाती थी स्टूडेंट्स उन दोनों को लेकर उल्टी सीधी बातें करें, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो मासिल को उसकी हद में रखें, और उसे ये काम अच्छे से आता था। बारिश कैसी तेज हुई है, आधी रात का सन्नाटा है, आँख उदासी में डूबी है, ख्वाब भी छुप छुप के तकते हैं, खुशबू कुछ मानूस सी है और दिल बिखरा बिखरा सा है, शीशे की इन दीवारों के पार उफक है और दुआ, जब तक लौट कर आएगी शायद मैं हो जाऊं राख। तुम पागल हो गए हो मासिल, इतनी शदीद बारिश में तुम बिना छतरी के घूम रहे हो, जानते हो ना मौसम बदल रहा है, बीमार पड़ जाओगे। शनाया के लहजे में गुस्सा भी था और हफकी भी। कोई 20 बार फोन करने के बाद मासिल ने उसका फ़ोन उठाया था। उसे ये खबर मारता ने दी थी कि मासिल तूफ़ानी बारिश में बिना छतरी और बरसाती पहने बाहर निकल गया था। ये सुनते ही शनाया का दिमाग घुमा था। वो तब से उसे फ़ोन कर रही थी और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया वो फट पड़ी थी। ठंड? किसने कहा ठंड है? मेरे जिस्म का रुआं रुआं ऐसे जल रहा है जैसे मेरे अंदर खून की जगह लावा बह रहा हो। वो बोला तो लहजे में शिकस्त ही थी। उसकी बात पर शनाया के दिल को कुछ हुआ था। वो इतना मजबूत नजर आने वाला मर्द जो कभी बहकता नहीं था, वो आज किस कश्मकश का शिकार था? तुम एक आम सी लड़की की वजह से। वो आम सी लड़की जब स्टूडेंट्स के साथ हंस हंस कर बात करती है और मुझे ऐसे नज़रअंदाज करती है जैसे मैं हूं ही नहीं, वो आम सी लड़की जिसकी मुस्कुराहट मेरे सामने आते ही गायब हो जाती है। तुम नहीं जानती उस वक्त मेरा दिल करता है मैं कहीं गायब हो जाऊं। उसने शनाया की बात काटते बेबसी से कहा था। मासिल, शनाया ने सदमे से उसे पुकारा था। वो आम सी लड़की मेरे लिए आम नहीं है शनाया। क्या कह दिया था उसने? शनाया ने सबसे आंखें मीची। जाने कितने अरसे बाद उसने शनाया का नाम पुकारा था। आंसू जाने कब उसकी पलकों की बार तोड़कर बहने लगे थे, उसे पता ही नहीं चला। वो आम सी लड़की मुझे मेरी शनाख्त लुटा सकती है, लेकिन उस आम सी लड़की को मुझ जैसे हास शख्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं। वो जल कर राख हो चुका था। शनाया को लगा अगर वो मजीद उसकी बात सुनेगी तो मर जाएगी। मैं उससे बात करूंगी, वो बस इतना ही कह पाई। गले में अटके आंसुओं के गोले ने मजीद कुछ बोलने ही नहीं दिया था। नहीं, मैं किसी तीसरे को हमारे दरमियान आने की इजाज़त नहीं दूंगा। शनाया, मैं फिर से नहीं टूटना चाहता, मैं फिर से दिल के मामले में नहीं हार सकता। फिर से? ये उसने क्या कहा था? क्या मोहब्बत फिर से हो रही थी? क्या मोहब्बत हो चुकी थी? क्या जो हुई वो मोहब्बत थी? कितने ही सवाल थे जो बादलों की गर्ज चमक में कहीं गुम होकर रह गए थे। अगले दिन वो ज़रा देर से इंस्टीट्यूट पहुंची थी। यूनिवर्सिटी में उसे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन जैसे ही वो इंस्टीट्यूट पहुंची तो मासिल की ख़राब तबीयत की खबर ने उस पर धमाका किया था। सारे स्टूडेंट्स परेशान नजर आ रहे थे।
वो क्लास लेने आया था पर उसे फ्लू हो चुका था और बुखार भी बहुत तेज था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन ज़्यादा देर ना बोल पाया ना खड़ा रह पाया। मजबूरन उसे क्लास छोड़ कर जाना पड़ा था। ये पहली बार हुआ था कि मासिल ने कोई क्लास छोड़ी थी। ये सुनते ही एमा को बिला वजह ही शर्मिंदगी होने लगी थी, जैसे उसकी वजह से सब हुआ हो। तकरीबन एक घंटे बाद मार्था ने आकर बताया था कि अब मासिल की तबीयत पहले से बेहतर थी। डॉक्टर चेकअप करके जा चुका था। उसे ठंड लगी थी और ये पूरी रात बारिश में भीगने का नतीजा था। सबसे पहले रोज़ उसकी आदत को पहुंची थी। एमा के लाख मना करने पर भी वो पास नहीं आई थी। लॉन में लगे पौधों से वो छांट छांट कर अच्छे फूल तोड़ कर ले गई थी, जबकि एमा अपने छोटे से ऑफिस में बैठी मसलसल बेचैनी का शिकार थी। वो अपने हाथों को मसल रही थी और यही सोच रही थी कि काश उसे यहाँ जॉब न करनी पड़ती। उससे मार्था से मासिल की तबीयत का पूछा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मासिल का सामना करती। हालांकि उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन कुछ था जो उसे खटक रहा था। रोज़ छुट्टी के वक्त तक गायब रही थी, जबकि एमा अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकली। मौसम फिर से अबर आलूद हो चुका था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। क्लास डोर के उस पार वो राहदारियों में घूमते स्टूडेंट्स को देख रही थी, जिसमें नौजवान, जवान और बूढ़े हर तरह के लोग थे और सब उसकी आदत कर रहे थे, जबकि वो जैसे अपनी कुर्सी पर जम सी गई थी। एक पल को उसका दिल चाहा था वो यहाँ से भाग जाए, वो कभी मासिल का नाम ना सुन पाई। लेकिन मजबूरी की पुख्ता जंजीरों ने उसे कदम बांधे हुए थे। और फिर छुट्टी से 10 मिनट पहले रोज़ किसी जिन की तरह पारित हुई थी। तुम इतनी बेमुरव्वत होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उससे बुरा मुंह बनाते हुए कहा। मैंने क्या किया, वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसके इल्ज़ाम पर तड़प उठी थी। मिस्टर मासिल की तबीयत इतनी ख़राब है और तुमने पूछा तक नहीं। जानती हो तुम्हारा फ़र्ज बनता है, तुम उनकी इम्प्लॉय हो, रोज से हफकी से कहा था। हाँ तो इम्प्लॉय हूँ, गुलाम तो नहीं ना, जब टाइम मिलेगा चली जाऊँगी, उससे बदलेहाजी से जवाब दिया। वो तंग आ चुकी थी। रोज ने हैरत से उसे देखा और फिर वो तेज़ी से उसकी जानी पड़ी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, रोज ने उसकी पेशानी छूटे पूछा। वो जानती थी एमा ऐसी नहीं थी, फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। ठीक हूँ मैं, सर दर्द कर रहा है, मैं घर जाने लगी हूँ, एमा ने अपनी पेशानी मसलते कहा। उसे अपने आधे सर में चुभन का एहसास हुआ था और वो जानती थी उसे माइग्रेन अटैक हो रहा था और इस वक्त उसके पास दवा भी नहीं थी। थोड़ी देर रुक जाओ, इकट्ठे चलेंगे, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रोज़ से संजीदा होते जवाब दिया। नहीं मुझे अभी जाना है, एमा ने क्लाई पर बंधी खड़ी देखते कहा। ऑफ टाइम हो चुका था, उसका चेहरा सुरख पड़ चुका था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बैग ले आऊँ, रोज़ परेशानी से कहती कमरे से निकल गई थी। उसका बैग स्टूडियो में ही रखा था, जबकि एमा बेचैनी से कमरे में टहलने लगी थी। वो रात देर तलक जागती रही थी। रोज स्टूडेंट्स ग्रुप में लगी हुई थी, जहाँ सभी उस बात पर परेशान थे कि आखिर मासिल को हुआ क्या था। एक दिन पहले वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई। वो रोज़ की बातों से तंग आ चुकी थी। उसके सर में शदीद दर्द था, दवा लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब वो चाय बना कर लाई थी, लेकिन रोज़ की बातों ने उसे वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया था। वो मजीद मासिल नामा नहीं सुन सकती थी। उससे कमरे में सांस नहीं लिया जा रहा था, यूँ जैसे एकदम ही फिजा से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। वो जाकर भी सो नहीं पा रही थी, ना उसका पढ़ाई में दिल लग रहा था ना किसी और काम में। अपना कप उठाए बेलकुनी में आ गई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी की आमद आमद थी और 2 दिनों से पड़ने वाली तेज़ बारिश ने मौसम को यक लगत ही बदला था। जाने वो कितनी देर वहाँ खड़ी अजीबोगरीब सोचों में उलझी रही, जब रोज़ खामोशी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने सुना है अगर एक शख्स की वजह से कोई दूसरा शख्स बेसुकून हो तो उस शख्स को भी सुकून नहीं मिलता और दूसरे की बेसुकूनी की वजह होता है। आम से लहजे में की गई बात एमा को अपने अंदर उतरती महसूस हुई थी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, एमा ने गड़बड़ाते पूछा था। वही जो तुम समझना नहीं चाह रही हो, वो अब एमा की तरफ देखते कह रही थी। बेलकोनी में अंधेरा था, अंदर से आती रोशनी उनके जिस्मों को तो वाजिया कर रही थी लेकिन उनकी कैफियत को ना उजागर कर पाई। एमा, मिस्टर मासिल एक अच्छे इंसान है, जब तुम पहले दिन उनसे मिली तब जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम उन्हें नज़रअंदाज मत किया करो। अगर वो तुम्हारे नज़दीक अहम नहीं है तो तुम उन्हें वैसे ही ट्रीट करो ना जैसे आम लोगों को करती हो।
उनसे इतना क्यों कतराती हो? एमा तो उसकी बात सुनकर साकित हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था बसाहिर लापरवाह नजर आने वाली रोज मासिल के बारे में उसकी सोच को इतना जान गई थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, और ये सब तुमसे मिस्टर मासिल ने कहा? एमा को बेसाख्ता गुस्सा आया था। रोज मुस्कुरा दी। मिस्टर मासिल ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता उनकी आंखें शिकवा कर रही थी। एमा का दिल धड़का था। वो कह रही थी, देखो तुम्हारी दोस्त मेरी कितनी बेइज्जती करती है। अल्लाह तौबा, मैंने कब बेइज्जती की? वो छिड़ गई थी। एक इंसान बीमार हो और आप उसकी आदत को भी ना जाओ, इसे क्या कहा जाता है? रोज से फौरन पूछा था। उस वक्त मेरे अपने सर में दर्द था, एमा ने दूसरी जाने देखते कहा। वो चेहरे का रुख मोड़ गई थी, यूं जैसे वो अंधेरे में उसके चेहरे को पढ़ लेगी। उसकी बात सुनकर रोज ने गहरा सांस लिया, फिर नर्म लहजे में कहा कि चलो ठीक है, कल सबसे पहले जाकर तुम मिस्टर मासिल की तबीयत का पूछ लेना। एक फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन इससे उन्हें खुशी मिलेगी। रोज तो कहकर जा चुकी थी, लेकिन वो जाने किन तानों बानों में उलझी वहीं खड़ी रही। अगले दिन रोज की बात पर अमल करते वो मासिल के ऑफिस गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मार्था ने उसे बताया कि वो अपने कमरे में था, तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। स्टूडियो के पिछले जाने मासिल का घर था। एमा अब कश्मकश में पड़ गई कि वो मासिल के रिहायशी एरिया में जाए या ना जाए। उसकी परेशानी शायद मार्था भांप चुकी थी। उससे मुस्कुराकर कहा, आप चलिए जाएं, मिस्टर मासिल आपको लॉन्च में ही मिल जाएंगे। और एमा इस बात में सहलाती रिहायशी एरिया की जानिब चल पड़ी। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि मासिल लॉन में बैठा था। सूख टाइलों की रोश पर चलती वो उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो सिगरेट चलाए धुआं फिजा में खारिज कर रहा था। रफ से हुलिये में जाने कहाँ गुम था। एमा ने दिल ही दिल में शुक्र किया कि उसे बाहर ही मिल गया था। मासिल की नज़र जैसे ही एमा पर पड़ी वह हैरान रह गया। शायद वो उसके वहाँ आने की तवक्का नहीं कर रहा था। जब होश आया सिगरेट फेंकते फौरन उठ खड़ा हुआ। हेलो, कैसी तबीयत है अब आपकी? उसके करीब पहुँच गया एमा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते पूछा था। सिगरेट की जो बू फिजा में थी वो उसे चुभती महसूस हुई थी। मासिल तो कुछ बोल ही ना पाया, वह हैरानी से उसे देख रहा था। अब तो अच्छा हूँ। ख्याल आने पर वो जैसे चौंका और फिर दिल से मुस्कुरा दिया। वेल, आप आज जल्दी आ गई हैं, अभी तो क्लास में भी टाइम है। वो आज उसे तुम नहीं आप कह रहा था। मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो गई तो सीधा इधर ही आ गई। एमा की नजरें गीली घास पर पड़े सिगरेट के उस टुकड़े पर जमी थी जो धीरे धीरे सुलग रहा था। मासिल उसकी नसों के ताकुब में देखते बेसाख्ता बोला था, आई होप कि आपको किसी लड़के की स्मोकिंग करने पर कोई इतराज नहीं होगा। उसने पूरे यकीन से कहा था, मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, इसकी जरा सी स्मेल मुझे हफ्तों बीमार रख सकती है। एमा का अंदाज बिल्कुल आम था, उसने बस एक बात की थी, जबकि मासिल को अपने वजूद से धुआं उठता महसूस हुआ था जिसे वो अपनी ज़रूरत समझता था। वो चीज़ सामने खड़ी लड़की को अज़ियत देती थी। कितने ही लम्हे वो कुछ बोल ना पाया, इस खामोशी को एमा ने ही तोड़ा। मैं आपकी तबीयत का पूछने आई थी और अपने गुज़िश्ता रवैये की माज़रत करने भी। जाने कितनी मुश्किलों से उससे वो जुमला अदा किया था। क्या आपको अभी भी माइग्रेन है? मासिल ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसकी नज़रें अब एमा की सूजी आंखों और चेहरे पर जमी थी। जी, शायद कल अटैक हुआ था और ये 3 दिन से पहले नहीं जाता। उसे साफ गोई का मुजाहरा किया था। मासिल के होंठ भींच चुके थे। ओके, अभी आप यहाँ से जाएं, मैं 10 मिनट तक रेडी होकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर एमा इस बात में सर हिलाती वापस आ गई। मासिल ने ऐसा क्यों कहा था ये वो सोचना ही नहीं चाहती थी, बल्कि सोच ही नहीं सकती थी। माइग्रेन की तकलीफ उसे कुछ सोचने दे ही नहीं सकती थी। पहले कहा जाता था असाब का मरकज दिल होता है। जब एक लाश का पोस्टमार्टम करते हुए वाजह तौर पर इल्म हो गया कि असाब का मरकज दिमाग है, एक प्रोफेसर ने अपनी आंख से देखकर भी इनकार कर दिया। क्रियोमोनी जो जोसेफ के दोस्त थे, उन्होंने जोसेफ की टेलीस्कोप देखने से इनकार कर दिया कि कहीं पुराने हालात तब्दील ना हो जाए। 1668 में जोसेफ जो नए फलसफे पर लेक्चर दे रहे थे कहते हैं, मैं उस वक्त सर पकड़ कर बैठ गया जब मुझे किसी पढ़े लिखे शख्स से इस चीज़ पर बहस करना पड़ी कि पुराना फलसफा गलत है। जब मैंने उसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश की तो उसका कहना था कि इन आलात का क्या इतबार, क्या मालूम कि इनका शीशा सब कुछ तब्दील करके दिखा देता हो। आज फिर वो किसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा था। एमा स्टूडियो की चंद ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाने आई थी। वो अपना बज़ाहिर काम कर रही थी, लेकिन वो पूरी तवज्जो से मासिल की बातें सुन रही थी जो अब कह रहा था। और पता है
आज की दुनिया में भी कुछ इंसान ऐसे भी पाए जाते हैं जो नए नज़रियों पर बहस करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो नए लोगों से मिलने से घबराते हैं। वो अकेले रहते हैं, वो डरते हैं, वो लोगों को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वो नए लोगों से मिलेंगे तो वो अपने ट्रैक से उतर जाएंगे। क्या ऐसे लोग बुज़दिल नहीं होते? सिर्फ इस वजह से किसी इंसान को नज़रअंदाज करना कि उससे बात करके आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी या आपके ख्यालात बदल जाएंगे, क्या ये मुनासिब है? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मासिल बोल रहा था और हेमा को एक एक लफ्ज नष्टा की तरह चुपता महसूस हुआ था, तो उसकी कुरीज को वो क्या समझा था? हेमा का दिमाग घूम गया। उसे महसूस किया था मासिल की नज़रें उसे अपने हसार में लिए हुए नहीं। ये तो तय था वो उसे बख्शने वाला नहीं था। पहले गम और फिर गुस्से की एक लहर उसके रगों पे में फैल गई। वो झटके से मासिल की जाने मुड़ी थी और तवक्का के ऐन मुताबिक वो उसे ही देख रहा था। स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे थे पर सुन कहाँ रही थी। वो खाली खाली नज़रों से उसे घूर रही थी। वो जवाब देना चाहती थी, जो करारा सा जवाब जिसे सुनकर मासिल जल्द भुनकर राख हो जाए। उसे कुछ बोलने के लिए अपने लबों को खोला और फिर बंद कर लिया और फिर तेज तेज कदम उठाती स्टूडियो से बाहर निकल गई। मासिल की निगाहों ने ओझल होने तक उसका पीछा किया था। उसकी सारी दिलचस्पी मधूम पड़ गई थी। क्लास के बाद जब वो बाहर आया तो वो लॉन में बने छोटे से स्विमिंग पूल के किनारे रखे पत्थर की बेंच पर बैठी थी, जिसमें रंग बिरंगी पत्थरें तैर रही थीं। उसने अपने स्टूडियो को काफ़ी कुदरती बना रखा था। पेड़ पौधे परिंदे सभी जमा कर रखे थे। मुझे लगा था तुम बहस करोगी, उसके अब से आवाज़ उभरी थी। वह परेशान सा उसकी पुष्प को घूर रहा था। तबीयत अभी संभली नहीं थी, बुखार था और फ्लू भी क्या नहीं था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बहस अपने बराबर के लोगों से की जाती है, ऐसे लोगों से नहीं जिनका लेवल, जिनकी दुनिया ही आपसे अलग हो। आम से लहजे में दिया गया उसका जवाब मासिल को अंदर तक चुभा था। उसका जिस्म बुखार से जूझ रहा था। दिल तो कर रहा था बिस्तर पर गिरे और साल 6 महीनों के लिए सो जाए, क्योंकि पिछली कई रातों से वो ठीक से सो नहीं पाया था। तो मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, सवाल उभरा था। नहीं, हेमा के बेचस्सा जवाब पर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बस खामोशी से उसकी पुष्प को घूरता रहा। फिर वो गहरा सांस देते आगे बढ़ा और फासला रखकर उसके साथ बैठ गया। बहुत सख्त दिल और बहुत रूड हो तुम। ये कॉम्प्लीमेंट था या कुछ और? हेमा उसके बेचारगी से बोले के उस जुमले पर मुस्कुरा दी थी। वो भी उसकी मुस्कुराहट महसूस कर गया था, तभी अफगी से बोला था। सही कह रहा हूँ, मुझ जैसे लड़के को अगर तुम जैसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो उसे सालों लग जाएंगे, बल्कि शायद सारी उम्र। चेहरे पर नाराजी थी। हेमा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। गहरे से बाल पीछे की जानिब सेट थे, शेव थोड़ी भरी हुई थी, चेहरा सुर्ख था और उसके नैन नक्श, उफ, वो कहीं से भी मशरकी नहीं थे। उसकी सुर्ख मुतवर्रम आंखें हेमा को ही देख रही थीं। भला आप जैसे इंसान को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मुझ जैसी लड़की को इम्प्रेस करे? लहजा आम सा था, लेकिन सवाल ऐसा था जिसका जवाब मासिल खुद नहीं जानता था। लेकिन सवाल ऐसा था जिसका जवाब मासिल खुद नहीं जानता था।